प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महात्मा गांधी के चिंतन के क्रम में जो सामाजिक व्यवस्था की जो चर्चा कर रहे थे, उसी में गांधी के नारी की स्थिति के बारे में क्या विचार हैं, अर्थात स्त्री की समाज में, परिवार में क्या स्थिति थी, उनकी क्या दयनीय स्थिति थी और उसको क्या होना चाहिए, अर्थात नारी की संपूर्ण जो विचार हैं उनके चिंतन ने, उसको हम जानने की प्रयास करते हैं। स्त्रियों की स्थिति पर गांधी का चिंतन के बारे में हम कहें तो गांधी जी ने समाज में स्त्रियों और पुरुषों की समानता पर बल दिया है। वो ये मान के चलते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, दोनों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वे एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करते हैं जिसमें स्त्रियां बिना किसी प्रतिबंध के सक्रिय भागीदारी निभाएं और उन्हें भी पुरुषों के समान अपनी शैक्षणिक, बौद्धिक और नैतिक उन्नति के अवसर प्राप्त हों। उन्होंने कहा भी है कि मेरे सपनों का स्वराज तब तक असंभव है जब तक कि भारत की स्त्रियों पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका नहीं निभाती। मैंने स्वराज को राम राज्य के रूप में परिभाषित किया है और राम राज्य की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि समाज में हजारों सीताएं नहीं। अब गांधी जी ने समाज में स्त्रियों को समान अधिकार पर सबसे अधिक बल दिया है। वो इस बारे में क्या कहते हैं वो जानते हैं। गांधी जी ने समाज में स्त्रियों के स्थान के विषय में दो बातों पर बल दिया है। पहली बात है स्त्रियों की समानता और दूसरी बात है स्त्रियों को अपने विषय में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार, आत्मनिर्णय लेने का अधिकार, सेल्फ डिसीजन टेकिंग पावर स्त्रियों में, इन दो बातों पर उन्होंने बल दिया है। आइए इन दोनों के बारे में जानने के प्रयास करते हैं। गांधी जी इस मत से सहमत नहीं थे कि स्त्री पुरुष पर निर्भर है अथवा वह पुरुष के अधीनस्थ या उससे हीन है। उनका मत था कि स्त्री समाज में पुरुष की समकक्ष और सहकर्मिणी है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि हिंदू संस्कृति पुरुष और स्त्री को पृथक पृथक मानने की अपेक्षा एक दूसरे को हिस्सा मानती है, उसको एक यूनिट मानती है। अर्थात हिंदू संस्कृति में पुरुष और स्त्री को एक यूनिट, एक इकाई माना है, उनको पृथक यूनिट नहीं माना है। जैसा कि पाश्चात्य दर्शन की हम बात करें तो वहाँ व्यक्तित्व की बात की गई है, इंडिविजुअलिटी की बात की गई है, पुरुष एक इंडिविजुअल है और स्त्री एक दूसरा इंडिविजुअल है। लेकिन भारतीय हिंदू संस्कृति में पुरुष और स्त्री दोनों एक यूनिट माना गया है। गांधी जी ने इसी बात पर बल दिया है कि वो दोनों अलग अलग ना होकर के एक दूसरे के हिस्सा हैं तथा यह स्वीकार करती है हिंदू संस्कृति कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं। गांधी जी स्त्रियों को अबला कहे जाने को भी आपत्तिजनक मानते थे। उनका मत था कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में कमजोर नहीं हैं, अपितु कई मैटर में, कई आयामों में वो पुरुषों से अधिक सशक्त हैं। जैसे कि वो हैं हिंसा, धैर्य, त्याग, सहिष्णुता, हृदय की पवित्रता, इन गुणों को धारण करने में तो निश्चित रूप से वह पुरुषों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। गांधी जी का मत था कि स्त्रियों को पुरुषों के समान समस्त सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, किंतु वे महिलाओं पर अनावश्यक व्यावसायिक दायित्व लादना अनुचित मानते थे। उनकी मान्यता थी कि महिलाओं पर गृहस्थी को चलाने का दायित्व तो ही अपने आप में इतना महत्वपूर्ण और श्रम साध्य है कि उन पर अन्य कोई बाहरी दायित्व तो नहीं थोपा जाना चाहिए। वस्तुतः वे स्त्रियों की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए भी उन्हें परंपरागत गरिमा से वंचित करना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि जो उन्हें पारिवारिक दायित्वों को निष्ठापूर्वक पालन के द्वारा प्राप्त होती है उनसे उनको वंचित नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार उचित यह होगा कि घर के संचालन के स्त्री के दायित्व को उतना ही महत्वपूर्ण समझा जाए जितना किसी सामाजिक या सार्वजनिक कार्य। वही कहते हैं घर का जो काम है, एक गृहिणी जो घर कार्य कर रही है, एक स्त्री जो घर का कार्य कर रही है, उसका मूल्य, उसका महत्व तो अन्य सार्वजनिक और सामाजिक कार्य की तुलना में हीन नहीं समझा जाना चाहिए। दोनों का अपना अपना महत्व और दोनों का समान मूल्य है, ये चीज़ स्थापित होनी चाहिए जिससे कि स्त्री का जो समाज में स्थिति है वो गरिमापूर्ण रहे, उसको हीन नहीं माना जाए, उसको निम्न नहीं माना जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यद्यपि स्वाभाविक रूप से
महिलाओं में परिवार के संचालन की कुशलता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है, किंतु घर गृहस्थी के कार्य स्त्री पर पुरुषों द्वारा थोपे नहीं जा सकते। यह निर्णय तो कोई स्त्री अपने किस दायित्व को या व्यवसाय का चयन करे पुरुषों के द्वारा नहीं, स्वयं महिलाओं के द्वारा ही किया जाना चाहिए वो किस दायित्व का निर्वहन करना चाहती है। अर्थात जो मैंने पूर्व में बताया डिसीजन टेकिंग पावर, निर्णय लेने का जो एक जो अधिकार है वो स्त्रियों के पास होना चाहिए कि वो किस दायित्व का निर्वहन करना चाहती है। उस पर पुरुषों के द्वारा इस प्रकार के कार्यों को थोपा नहीं जाना चाहिए, ये थोपने की प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने ऐसे अनेक व्यवसायों और वृत्तियों का उल्लेख किया जिसमें स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक कुशलता और दक्षता का प्रदर्शन कर सकती हैं। अब परिवार में स्त्रियों का क्या स्थान है, इस पर गांधी जी क्या कहते हैं, हम उन्हें जानते हैं। गांधी जी ने यह स्वीकार किया कि समाज में स्त्रियों की हीन स्थिति के लिए पुरुष ही नहीं अपितु स्वयं स्त्रियां भी उत्तरदायी हैं। उन्होंने भारतीय महिलाओं की निर्णय लेने के विषय में अपने गार्जियंस अभिभावकों या पति पर निर्भर करने की जो प्रवृत्ति की आलोचना की है, उन्होंने इस बात की भी आलोचना की कि महिलाएं अपने अंतःकरण के विपरीत भी पति अथवा पिता के आदेशों को स्वीकार कर लेना अपना कर्तव्य मानती है कि मुझे माता पिता की आज्ञा माननी है, मुझे पति की आज्ञा माननी है, ये सारी बातें वो अपना कर्तव्य मान करके सारे आदेशों को सहन करती जाती है और स्वीकार करती जाती है। भारतीय संस्कृति के प्रति आदर भाव रखते हुए भी गांधी जी ने इस मान्यता का विरोध किया कि पत्नी को पति के व्यक्तित्व में ही अपना व्यक्तित्व विलीन कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी मान्यता के कारण पारिवारिक जीवन में स्त्रियों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि पुरुषों के उनके साथ किए जा रहे बर्बरतापूर्ण व्यवहार को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो कहते हैं इसी स्थिति के कारण पुरुष उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करने का दुस्साहस कर लेते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पारिवारिक जीवन में स्त्रियों की दशा में सुधार कानूनों द्वारा ही नहीं लाया जा सकता, उनके लिए तो स्वयं स्त्रियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए जागरूक होना पड़ेगा। महिलाओं को परंपराओं और रूढ़ियों का विद्रोह करना पड़ेगा और यह कार्य सारे साहसपूर्ण तरीके से स्वीकार करने पड़ेंगे कि वे पुरुषों की सहचरी हैं, अनुचरी नहीं, सेविका नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें भी वैवाहिक जीवन में पुरुष के समान ही अधिकार प्राप्त है। गांधी जी ने कहा कि यदि किसी महिला का पति अनैतिक और अनुचित कार्यों में लिप्त है तो उसे पति का अनुसरण करने की बजाय एक तेजस्वी महिला की भांति पति का विरोध करने का साहस भी जुटाना चाहिए। अब पारिवारिक जीवन में स्त्रियों की समानता का प्रतिपादन करते हुए गांधी जी ने महिलाओं के अधिकारों के संबंध में कुछ सूत्र प्रस्तुत किए हैं, हम उन्हें जानते हैं। पहला वो ये कहते हैं कि पत्नी पति की नौकर नहीं है अपितु वह परिवार धर्म के पालन करने में एक समान अधिकार रखने वाली सहभागिनी और मित्र है। दूसरा, वो एक दूसरे के शिक्षक भी होते हैं। परिवार में पुत्रों और पुत्रियों के मध्य भेद नहीं किया जाना चाहिए। माता पिता के स्नेह व शिक्षा की प्राप्ति के अवसर तथा पिता की संपत्ति में भी पुत्र और पुत्रियों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। हालांकि आज कानून बना हुआ है पुत्रियों को अपने पिता की संपत्ति में पूरा बराबर का अधिकार होता है, लेकिन जब गांधी जी का चिंतन चल रहा था उस समय भारत में स्त्रियों को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं होता था। पति और पत्नी जो भी अर्जित करें उस पर दोनों को समान अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में पति जो भी अर्जित करता है उसमें पत्नी की सहायता का सुनिश्चित योगदान होता है और यही बात समान रूप से पत्नी द्वारा अर्जित की गई आय पर लागू होती है। यदि कोई पति पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करे तो पत्नी को उससे अलग रहने का अधिकार होना चाहिए। पुरुष और स्त्री के मध्य उन शारीरिक भेदों के अतिरिक्त जो प्रकृति ने उत्पन्न किए हैं अन्य किसी भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अब इन सामाजिक नारी के सामाजिक चिंतन के विषय में गांधी जी ने तत्कालीन कुछ कुरूतियाँ थीं उनका विरोध किया था। हालांकि वो विरोध हमें अन्य समाज सुधारक राजा राममोहन राय,
दयानंद सरस्वती इनके विचारों में देखने को मिलते हैं, लेकिन गांधी ने उन उन कुप्रथाओं का, उन अंधविश्वासों का भी विरोध किया जो नारी की स्थिति को दयनीय स्थिति बनाते हैं। इसलिए उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया। गांधी ने हिंदू समाज में विधवाओं के प्रति किए जाने वाले दुर्व्यवहार का घोर विरोध किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विधवाओं के लिए समाज में गरिमापूर्ण, स्वतंत्र और सद्गुणी जीवन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यद्यपि राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों की भांति उन्होंने विधवा विवाह को आवश्यक नहीं माना, किंतु उसके साथ यह स्पष्ट किया कि जिस प्रकार विधुर पुनर्विवाह का अधिकार रखते हैं तथा इस विषय में स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, उसी प्रकार विधवाओं को भी समान रूप से यही अधिकार प्राप्त किया जाना चाहिए या उनको प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध किया और इसे क्रूर, अमानवीय व अधार्मिक माना। उन्होंने कहा था, किसी स्त्री को उसके पति के साथ चिता में जल जाने की शिक्षा देना मानवीय गरिमा के महत्व को भुला देना है। इस प्रथा में किसी व्यक्ति की पूजा को पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया जाता है। एक निष्ठावान पत्नी का वास्तविक कर्तव्य तो यह है कि वह अपने पति के जीवन के कार्यों और लक्ष्यों को अपने व्यक्तित्व में आत्मसात कर ले और इस प्रकार जीवित रहते हुए उस पति के जो के प्रति जो निष्ठा है और मानवीय गरिमा दोनों का निर्वाह करेगी। पति के प्रति उसका प्रेम व्यापक होकर ईश्वर के प्रति प्रेम में विलीन हो जाएगा। ये बात गांधी ने कही कि चिता में जल जाने का जो व्यवस्था उस समय थी वो ना तो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का भी गांधी ने विरोध किया। गांधी ने उस समय बाल विवाह को भारतीय समाज में व्याप्त एक गंभीर कुरीति की संज्ञा दी और इसके उन्मूलन पर बल दिया। और आपने देखा होगा कि 25 मार्च 1928 का जो अखबार नवजीवन है उसके अंक में तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास सत्ता होती अथवा मेरी कलम में पर्याप्त शक्ति है तो मैं इसका उपयोग प्रत्येक बाल विवाह को रोकने के लिए करता। अल्प आयु में अपने बच्चों को विवाह करने वाले माता पिता वास्तव में शत्रु हैं, वे इसे कमजोर और निर्भर बना देने के लिए उत्तरदायी हैं। केवल गांधी जी केवल सती प्रथा अथवा बाल विवाह के विरोधी नहीं थे, वे उन समस्त कुरीतियों और रूढ़ियों के विरुद्ध थे जो स्त्रियों के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के मार्ग में बाधक हों। इसी कारण उन्होंने पर्दा प्रथा का भी विरोध किया। उनका मत था कि पर्दा प्रथा अनुचित और गरिमाहीन तो है ही, साथ ही पुरुषों की संकीर्ण वृत्ति और महिलाओं के प्रति उसकी दमनकारी प्रवृत्ति का प्रतीक है। गांधी जी की स्पष्ट मान्यता थी कि स्त्रियों की स्वतंत्रता का नारा लगाने मात्र से स्त्रियों की दशा में सुधार नहीं होगा। वास्तव में इसके लिए उन्हें स्वयं अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक होना होगा। उन्हें अपने दायित्वों के पालन के द्वारा वे समाज में पुरुषों के समान अधिकारों और स्वतंत्रताओं की मांग करने का नैतिक अधिकार स्वयं अर्जित कर लेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया था कि कुरीतियों, अंधविश्वासों और संकीर्णताओं के बंधनों को तोड़कर यदि स्त्रियां स्वयं अपनी स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध हो जाएं तो उन्हें परतंत्र रखना संभव नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, शिक्षा, बलिदान की भावना, स्वयं अपनी गरिमा में आस्था और स्त्रियों की स्वतंत्रता ये सुनिश्चित सूत्र हैं। उन्होंने स्त्रियों को परामर्श दिया कि वे अनुचित और गरिमाहीन प्रतिबंधों के विरुद्ध सविनय विरोध करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे महिलाओं की स्वतंत्रताओं के नाम पर उनकी स्वच्छंदता के समर्थक नहीं थे और यह आवश्यक मानते थे कि महिलाओं का आचरण मर्यादित और संयमित भी हो। उनका मत था कि स्त्रियों के आचरण की मर्यादाएं पुरुषों द्वारा निर्धारित नहीं की जाएंगी, अपितु उनकी स्वयं की अंतःप्रेरणा और स्वैच्छिक संयम का परिणाम होंगे। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर हमने जाना कि महात्मा गांधी ने सामाजिक व्यवस्था पर चिंतन के दौरान स्त्रियों की समाज में क्या स्थिति थी और उस दयनीय स्थिति से उबरने के लिए स्त्रियों को अपनी स्वतंत्रता, अधिकार और गरिमामयी स्थिति किस प्रकार प्राप्त करनी होगी, इसके लिए किस प्रकार सामाजिक जागृति पैदा करनी होगी, किस प्रकार उसको संगठित होकर के उसके लिए संघर्ष करना होगा और अपने अधिकारों को प्राप्त करना होगा, इस पर विचार प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों,
अंधविश्वासों आडंबरों पर प्रहार करते हुए उन्होंने पुरुष और स्त्री के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंधों पर विचार प्रस्तुत किए जो अंततः सामाजिक सौहार्द एवं सुदृढ़ता के प्रतिमान स्थापित करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उक्त विवेचन से आपको गांधी जी के सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक विचार स्पष्ट हुए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम गांधी जी के शिक्षा संबंधी दर्शन को गहनता से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।